नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। खूबसूरती ऊपर वाले की देन है, उसका बनाया हर एक शख्स सुंदर है, लेकिन कई बार सेहत की अनदेखी चेहरे की चमक को फीका कर देती है और कई बार मौसम की बेरुखी त्वचा की खूबसूरती को छीन लेती है। अब इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है जो स्किन और बालों से जुड़ी कई तरह की प्रॉब्लम्स को मीनाक्षी बढ़ा भी रही है। ठीक है आपने ज्योत्सना, सर्द हवाओं की वजह से चेहरा ड्राई दिखने लगता है, नमी कम होने लगती है जिससे झुर्रियां तेजी से आ जाती हैं और लोग वक्त से पहले ही उम्रदराज दिखने लगते हैं, जो कोई नहीं दिखना चाहता। सर्दियों में एक परेशानी ये भी है कि एड़ियां फटने लगती हैं और ये तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और इसके साथ ही बालों में डैंड्रफ, उससे बाल झड़ने लगते हैं। पिंपल्स भी सर्दियों में एक आम परेशानी है। हाँ, कहीं बड़ी परेशानी तो गलत नहीं होगा। अब इन लड़कियों के खास तौर पर मीनाक्षी, अब इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन केमिकल बेस्ड क्रीम और कॉस्मेटिक्स नहीं है जिसका ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। ये चीजें कुछ हद तक आपकी हेल्थ जरूर खराब कर सकती हैं। आपको थोड़ा सुंदर जरूर दिखाएंगे लेकिन इनके अंदर जो चीजें हैं वो आपकी हेल्थ, आपकी खूबसूरती को खराब कर सकते हैं। जब तक बॉडी अंदर से स्वस्थ नहीं होगी चेहरे पर ग्लो भी नहीं आएगा, और खूबसूरती भीतर की हो तो वो ज्यादा अच्छी लगती है। इसलिए बॉडी को डिटॉक्स करके, डाइजेशन अच्छा करके, न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करके हम स्किन पर खूबसूरती और कुदरती निखार ला सकते हैं। योग आयुर्वेद में स्किन हेयर की समस्या का पूरा समाधान है, जिसे बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। आज ब्यूटी टिप्स जो है वो स्वामी जी नहीं बताएंगे, आज हमारी बहन जी बताएंगी। क्या नाम है? मेरा नाम अंजू है। क्या और क्या करती हो? मैं पतंजलि के पूरे ही प्रोडक्ट यूज करती हूँ और मैंने कोई भी कॉस्मेटिक यूज नहीं करती हूँ। कोई कॉस्मेटिक नहीं, बाहर का बाजार का यूज नहीं करती। कांतिलेप मेरे चेहरे का ग्लो बढ़ाने के लिए, और मेरी एज 48 है और सब मुझे, और मेरा 21 साल का बेटा है। आपकी उम्र लगती नहीं। और जोरदार ताली बजा दो इसके लिए तो। और मैं योग प्राणायाम 2006 से करी। कांतिलेप कच्चे दूध में लगाती हूँ मैं। कच्चा दूध रखा है ना यहाँ? हाँ। दूध के अंदर कांतिलेप मिला के लगाती हूँ। हाँ, रोज सुबह नहाने के पहले मैं 15 मिनट इसको रखती हूँ और फिर नहाती हूँ। और आज इसको हमने दे दिया है संतरे के छिलके, नींबू, ये बेसन और नीम, बेसन नीम नींबू के छिलके, और ये शहद और ये दूध। तो ये घर में भी बना सकते हैं। आलसी है ना, लगाते नहीं है। और ये ब्यूटी क्रीम कब लगाती हो? ये मेरा ब्यूटी क्रीम रोज बाहर जाते समय यही यूज करती हूँ। स्वामी जी लोग लेप तो फिर का कॉस्मेटिक यूज नहीं करती, ये ब्यूटी टिप्स दे रहे हैं। वो सोचते हैं कि लेप लगाने से काम बन जाएगा, तो योग अभ्यास क्या क्या करनी चाहिए सुंदर दिखने के लिए? न वो योग भी बताएंगे, अभी जो है थोड़ा ब्यूटी टिप्स शुरू में दे देते हैं, फिर इनको भी हमने पूरा सजा रखा है। तो ये तुमने क्या क्या लगा रहे हो? एंटी रिंकल्स क्रीम लगाती हूँ, रिंकल्स हो गए थे बहुत ज्यादा, अभी तो कम हो गए हैं। ये योग भी करती है? योग प्राणायाम पूरा करती। योग प्राणायाम करती है, एंटी रिंकल भी लगाती थी, और आज इसको हमने गुलाब और ये हनी और दूध, ये यहाँ पर हमारे यहाँ तैयार करते हैं डॉक्टर हमारी हरप्रीत है, और ये तो एक हमने बहुत जबरदस्त बताया हुआ है, ये बता करके फिर आगे बढ़ेंगे। ये पका हुआ केला, पका हुआ पपीता, खीरा, एलोवेरा और ओट्स और ये सब मिला करके हनी रोज, ये सारे। और वैसे तुम रोज क्या लगाती हो? एलोवेरा जी, 43। तो ये बड़ी, अभी इनको बाद में पूछेंगे पूरा, उम्र बताने में महिलाएं संकोच करती है, लेकिन ये 40-45 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में सब एकदम यंग हो रखी है। क्या बात। तो आज इनकी थालियां सजीव को सोचता है स्वामी रामदेव ने आज इनको क्या पूजा पाठ करना है क्या? तब ये पूजा पाठ बाद में करेंगे, थोड़ा साइड में रख दो अभी, है ना, अभी बाद में लगाएंगे। आज इनकी थालियां सजा रखी है हमने सबकी। और एंटी एजिंग के लिए सबसे अच्छा है एक तो कपालभाति अनुलोम विलोम, दो प्राणायाम, तो कुछ तो कपालभाति अनुलोम विलोम कर लो। और जो मेरे साथ पूरा साथ निभा सकती हो, क्योंकि ज्योत्सना जी और मीनाक्षी जी तो ये कर लेती हैं, इसलिए
जो है चलो सूरज भी उगाया है अब तो, शीर्षासन और सर्वांगासन सबसे अच्छे एंटी एजिंग है। शीर्षासन और सर्वांगासन जो कर लेंगे वो 100 साल तक बूढ़े नहीं होंगे। ये एंटी एजिंग है, हम एंटी रिंकल क्रीम, एंटी एजिंग क्रीम, गोल्ड क्रीम ये भी बनाते हैं, जिनको पैरों में क्रैक्स हो जाते हैं, बिवाई बोलते हैं हम लोक भाषा में, उसके लिए भी हम जो है कपाल भाती अनुलोम विलोम करें। ये शीर्षासन या सर्वांगासन ये तो बढ़िया कर रही है, कपाल भाती अनुलोम विलोम, शीर्षासन या सर्वांगासन ये एंटी एजिंग है। दो आसन एंटी एजिंग है, दो प्राणायाम, दो तो कर ही सकते हैं, ऐसे थोड़ा भी कर लिए, दो व्यायाम, एक दंड एक बैठक, ये एंटी एजिंग है। फिर घर में गिलोय, एलोवेरा और आंवला, इसको रसायन कहा आयुर्वेद में, वैसे तो जीवक, ऋष्भक, रिद्धि, वृद्धि, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, जीवक, ऋष्भक, रिद्धि, वृद्धि, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, विदारी कंद, वराही कंद, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच के बीज, बला बीज, इन सब का पाउडर करके अथवा इनका एक्सट्रैक्ट निकाल करके हम देते हैं, ये भी एंटी एजिंग होते हैं, अष्टवर्ग एंटी एजिंग है। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच बीज, बला बीज, विदारी कंद, वराही कंद, ये सब एंटी एजिंग है। तो ये हो गया शीर्षासन सर्वांगासन, जो कर सके वो हलासन भी कर लेते, और जो है कपाल भाती अनुलोम विलोम तो सब कर ही सकते हैं, और किसी को 100 साल तक बुढ़ा नहीं होना होना। अब जैसे इतनी भयंकर ठंड है हरिद्वार में तो भी मुझे ठंड नहीं लग रही है, क्योंकि मैं सुबह उठ करके दंड बैठक लगाता हूँ, तो ये एक ही में दोनों दंड बैठक दोनों आ जाते हैं, इसका नाम है मिश्र दंड। तो कुछ तो बहने भी लगाने लगी, लगाती हो तुम भी? लगाती कहाँ से है? ये पक्की पहाड़ है ना इधर, बड़े बड़े पहाड़ चढ़ जाती है, और पहाड़ों में जो है बेटियां बड़ी मजबूत होती हैं। कितनी उम्र है तुम्हारी? 49। 50 की उम्र में भी एकदम मजबूत है। चलो करो, नीचे आया करो पूरी ऐसे। अरे बड़ी मजबूत है तू तो, और ये भी करती है ऐसे। चलो ये भी करना है? क्या बात ऐसे तो ये ऐसे, और देखो ऐसे क्या करो, ऐसे ना पैर ऐसे ऐसे फिर ऐसे। तो जो हमारे पहाड़ी जो यहाँ के पुरुष होते हैं और महिलाएं होते हैं बड़े मजबूत होते हैं, और हिमालय की जड़ी बूटियां भी खाते हैं। तुम्हारे घर में गैया है? और गाय को घास खिलाते हैं ना, वो गाय का दूध पीती है, घर का वो जड़ी बूटियां खाती है इनकी गैया। और क्या नाम है? जया। जया हाँ, तो जया बड़ी मजबूत है भाई तो ये रोज जो है दंड बैठक भी लगाती है। चलो जाओ अपने आसन पर जाओ। तो जो लगा सके ऐसे 25-50 बार ऐसे कर ले ऐसे, तो 100 साल तक हाथ, पैर, पेट, पीठ सब मजबूत रहते हैं। ये इधर लगाने में लगी हुई है, ये हरियाणा भी छोड़ी है इधर। ये हरियाणा की है कि यूपी की है? ये यूपी और हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और जो है हरियाणा की बहनें भी बड़ी मजबूत होती है। ये तो बड़ी ठाड़ी होके लगा रही थी, लगा लगा, क्या बात है निखार के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी मीनाक्षी, क्या स्ट्रेंथ है, बहुत जबरदस्त स्ट्रेंथ है। तुम्हारी कितनी उम्र हो गई? 56। ये 56 की हो गई है क्या? ये 56 की भी 26 ऐसी लग रही है, जोरदार ताली हो जाए इसके लिए। नहीं नहीं, 56 की नहीं है, सही सही एक बार फिर से आप पूछिए। 55 की हूँ, अभी 55 की हूँ, अभी तो 55 है क्या बात है, आपके लिए तो डबल तालियां। ये 55 में भी कहते हैं मैं 55 से कितर है क्या दंड लगा रही थी आप? कम से कम दंड से तो लग नहीं रहा था, और ना शक्ल से लगता है मीनाक्षी की उम्र का पता। हमें भी ऐसे रहना 55 तक, और उसके कारण मेरा सारा चेहरा काला हो गया था। हाँ, पूरा काला हो गया था चेहरा। और फिर मैंने एलोवेरा ब्यूटी क्रीम लगाई, उससे
ठीक हो गया, फाइब्रॉइड का ऑपरेशन हुआ था बहुत बड़ा, फाइब्रॉइड और ये हो गया ऑपरेशन हुए 25 साल। अच्छा। और उसके बाद आप 2005 में स्वामी जी मिले, आपको देखा, तो तब से योग कर रही हूँ और ये तभी कर पाती हूँ। और पूरा चेहरा जो काला था अब तो तेरे को पता ही नहीं रहा, तो कभी काली भी सभी कहते हैं सही, मैं स्कूल में टीचर हूँ, सभी कहते हैं कि कैसे ठीक किया है। क्या क्या लगाया? मैंने एलोवेरा ब्यूटी क्रीम, रिंकल क्रीम ये लगाया और योग किया। ब्यूटी क्रीम हम उपलब्ध कराते हैं सबको, ये यहाँ पर भी रखी हुई है, और योग कर, योग प्राणायाम जो आपने बताया। क्या नाम है? सुधा राणा। सुधा राणा के लिए बहुत बहुत अभिनंदन, ये तो बहुत मजबूत बहन हो गई है तैयार। तो उष्ट्रासन करें और अपने पूरी बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए और चेहरे को भी अच्छा बनाने के लिए ये करें शशकासन। पीछे झुके तो उष्ट्रासन हो गया, आगे झुके तो शशकासन हो गया, इससे पूरे चेहरे का ग्लो बढ़ता है। तो कम से कम मैंने कहा दो आसन करिए, ये सब एक्स्ट्रा में बता रहे हैं आज। अब एक बार आगे झुके तो शशकासन, पीछे झुके तो उष्ट्रासन, ऐसे ही कम से कम दो चार आसन बैठ के, दो चार आसन उल्टे लेट के, दो चार आसन सीधे लेट के। ऐसे स्वामी जी आप हमेशा से सूर्य नमस्कार के बारे में कहते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो क्या सूर्य नमस्कार के जो 12 आसन होते हैं वो हमारी ब्यूटी के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, इसके लिए बहुत कारगर होता है? अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा और जोड़ना चाहूँगी स्वामी जी, कितनी देर तक सूर्य नमस्कार करना चाहिए और एक पोजीशन को कितनी देर तक होल्ड करना चाहिए और ब्रीदिंग कितना इम्पोर्टेंट है? अब देखो, कई बार क्या होता है, कमर में दर्द होता है, किसी किसी का बैलेंस नहीं बन पाता है, तो यही 25-50 से लेकर के 100 बार तक करवा देते हैं भुजंगासन। और ये सारे 12 अभ्यास 12 आसनों में हो जाते हैं सूर्य नमस्कार के। तो जो सूर्य नमस्कार ना कर पाए वो तो ये भुजंगासन, बरकटासन, उत्तान पादासन आदि कर ले, और जो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं तो वो जो है, जैसे ये अब ये 55 की हो रखी है, सूर्य नमस्कार कितनी बार करती है? 25 बार रोज करती है कम से कम। चलो इधर आओ, अब ये साथ साथ करेगी मेरे। हाँ, प्रणाम आसन, एक आसन में ऊर्ध्वस्थासन 5 सेकंड कम से कम होल्ड करना, फिर आगे झुक गए तो 1 मिनट में एक बार हो जाएगा। श्वास बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया, आगे झुके तो पाद हस्तासन, पीछे झुके तो ऊर्ध्व हस्तासन था, अब दाहिने पैर पर बैठ जाएंगे। प्रणाम आसन, ऊर्ध्व हस्तासन, फिर ये पाद हस्तासन के बाद दक्षिण अश्व संचालन आसन, श्वास अंदर, एक आसन में एक स्थिति में एक पोस्चर में 5 सेकंड रुकना है, फिर दाहिना पैर भी पीछे, श्वास बाहर छोड़ दिया, अब श्वास अंदर भर लेंगे। ये पर्वतासन है, ये साष्टांग आसन, नीचे पड़ना नहीं है, अदर रुकना है, शरीर को थाम के रखना है, ये भी सबसे अच्छा एंटी एजिंग है। जो शीर्षासन, सर्वांग आसन न कर पाए वे ये कर ले, सूर्य नमस्कार कर ले, 25 बार का नियम ले ले, ऐसे साष्टांग आसन, भुजंगासन के बाद पर्वतासन और फिर बाएं पैर आगे, एक अभ्यास में 5 सेकंड ठहरना है, ऐसे श्वास अंदर भर के रखना। जब पीछे की ओर झुकते हैं, अब पीछे की ओर झुक रहे हैं, वाम अश्व संचालन आसन, पाद हस्तासन, श्वास बाहर, माथा घुटनों से लगा दिया और झुक करके रुक गए 5 सेकंड, फिर हाथ ऊपर, ऊर्ध्व हस्तासन, और फिर प्रणाम आसन। अब देखिए, ये तो हुआ एक स्टाइल, अब दूसरा स्टेप इसका, दूसरा चरण, 1 सेकंड में एक बार, तो ब्रीदिंग का पैटर्न ये होगा,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. अब 5 सेकेंड में भी कर सकते हैं, 2-2.5 सेकेंड में भी कर सकते हैं, और अभी 1 सेकेंड में एक बार किया। देखिए रिदम के साथ कोशिश करना बहनों, है ये तो सभी ने बहुत अच्छा कर लिया भाई। 1 सेकेंड में एक बार वाला भी बढ़िया कर रही है, और ज्योत्सना जी और मीनाक्षी जी तो अच्छा करते ही करते हैं, तो एक बार ज्योत्सना मीनाक्षी के लिए भी तालियां बजा दो। ये दोनों बहनें लाखों करोड़ों बहनों के लिए प्रेरणा बनी हुई है, और आज तो दोनों ही मैट के ऊपर हैं क्योंकि इन दोनों को भी बूढ़ा नहीं हो, बुढ़िया नहीं होना है, गुड़िया ही रहना है। का था, तो सुनो, मैंने सोचा ये हम दोनों साथ साथ जो है साथ साथ ब्यूटीफुल होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं, बिल्कुल फूल होते हैं। तो फुल एनर्जी, फुल ब्यूटी, और एवर यंग रहेंगे। 25 बार तो सूर्य नमस्कार करना है, और कम से कम 25-50 बार से लेके 100 बार तक ये करना। चलो करो बहनों, इधर करो मेरी तरफ, करो राणा जी। क्या कह रहे थे आप, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी? स्वामी जी, हम कह रहे थे मामला आज क्योंकि ब्यूटी का है, तो क्यों ना हम भी ब्यूटीफुल होने के टिप्स ले लें आपसे। वैसे जो आज स्वामी जी के साथ मंच पर है वो बहुतों को फेल कर रही है सीरियसली। 55 की उम्र में इतनी स्ट्रेंथ, इतनी खूबसूरती, और क्या जज्बा। हम जरा पसीने पसीने हो गए ज्योत्सना, सर्दियों में गर्मी का एहसास। देखो ऐसे 100-100 बार करना, कितनी बार, 100-100 बार, और किसी के सांस फूल जाए तो फिर दिव्य धारा डाल लेना और उसमें स्टीम ले लेना, जो बहन जी के सामने रखा हुआ है कार्यक्रम। तो ये तो ये करना है। फिर देखो थोड़े आसन करवा देते, खड़े होकर के भी एक एक मिनट तक, आधा आधा मिनट से शुरू करें ताड़ासन। ऐसे ही अभ्यास भी बहुत अच्छे होते, पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाती, और खूबसूरती के लिए ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ऐसे 10 बार से शुरू करके 25 बार तक करवा देते हैं मोटे मोटों को, एक एक ही दिन में 1-1 किलो 2-2 किलो कम करके, और एक महीने में 20-25 किलो कम कर देते हम। तो देखो ब्यूटी में सबसे बड़ी बाधा जहाँ स्किन की प्रॉब्लम्स है वही ओबिसिटी भी है, तो उसके लिए भी हम ये करवाते हैं। ऐसे त्रिकोणासन, त्रिकोणासन ऐसे करो, ऐसे फिर ये पादहस्तासन, ऐसे इसे पेट, पीठ, पूरा शरीर हल्का हो जाता है, पीछे झुकते तो श्वास अंदर, आगे झुकते तो श्वास बाहर, और फिर इतना बैलेंस आ जाता है। ये वृक्षासन भी अच्छा कर लेती है, करो ऐसे ये। तो देखो जो मोटी मोटी बहनें हैं, किस बहन ने कितना वजन घटाया है, 5 किलो, 5 किलो कम किया, 5 किलो, अच्छी बात है, और 10 किलो, 10 किलो कम कर लिया, अच्छी बात है, वजन घटाया अपना 20 किलो, 20 किलो, इधर आइयो, कितनी उम्र हो गई आपकी, 58, इधर आओ, ये 55 की है या 58 की, 58 है, कितना वजन हो गया था, मेरा वजन हो गया था 80 किलो, 80 किलो, और अब कितना है, अब मैंने वेट नहीं किया अभी, यहाँ आप, अब तो आपका, मैं बहुत, अब तो आपका 70 से भी कम है, मेरा ही 67 है, तो आप मेरी से तो भारी हो ही नहीं, 10 साल से योग कर रही हूँ मैं, 10 साल से योग कर रही है माता जी। चलो अब देखो
ये 10 नहीं आपका कम से कम 15 कम हो गया होगा, 65 से ज्यादा की नहीं है। मैं तो तेरे से ज्यादा मजबूत हूँ, मेरा ही 67 है, जाओ 80 की हो गई थी, 15 किलो कम कर लिया। 63 चलो बैठो, जिनको वजन कम करना है वे कम से कम 5 अभ्यास किया करो। एक तो ये भी ब्यूटी टिप्स है, 25-25 बार करके लंबे लंबे श्वास। बाकी तो ये एंटी एजिंग क्रीम, एंटी रिंकल क्रीम, ब्यूटी क्रीम, गोल्ड क्रीम, और घर में बनाने के लिए जो हमने अलग अलग मुल्तानी मिट्टी जो सब रोज लगा सकते हैं, एलोवेरा, नीम और हल्दी, जिनकी स्किन में बहुत गर्मी रहती है, पिंपल्स बहुत निकलते हैं, तो मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा, नीम, हल्दी, बाकी बहुत गर्मी है स्किन के अंदर अंदर या ड्राइनेस है तो फिर इसके अंदर पानी नहीं मिलाना, इसके अंदर क्या मिलाना, कच्चा दूध मिलाना। फिर लंबे लंबे श्वास, जिनके बहुत ऑयली स्किन है तो हनी मिला के लगाना, बहुत ऑयली स्किन है, और कांति लेप भी लगा लेना। ये ब्यूटी टिप्स बता रहे हैं। और मॉइस्चराइजर्स हम बनाते हैं तो वैसे तो बहुत अच्छा होता है एलोवेरा, ये मॉइस्चराइजिंग करता है, ये एंटी एजिंग है, एंटी रिंकल है, एंटी पिंपल है, तो हमने एलोवेरा को ये तमाम तरह के जो केमिकल वाले ब्यूटी प्रोडक्ट्स थे, तो एक तो ये, एक ये देखो ऐसे, इनको रिप्लेस किया हमने। और एक और बताता हूँ, ये एलोवेरा बादाम रोगन में, बादाम रोगन के साथ मिला करके एलोवेरा लगा ले, बादाम रोगन जब मिला लेते हैं ना बाजार में तो वो एकदम वाइट वाइट हो जाता है, और फिर वैसे मैं तो ऐसे ही लगा रहा हूँ बादाम रोगन, ऐसे बादाम रोगन ऐसे भी लगा लो ना तो ठंड भी नहीं लगती है, लगाते है? ये तो पहले से ही कर रहे हैं। अच्छा तो ये सारे पतंजलि के प्रचारक बैठी हुई है सारी की सारी, है ना। अच्छा स्वामी जी, आप जो ये बादाम रोगन अच्छा? लगा रहे हैं, सर्दियों में नाखून टूटने की या फिर क्रैक आने की बहुत तो बड़ी समस्या होती है। एक साथ बोलने लग गई तुम तो सारी की सारी। अच्छा अच्छा, लो इधर माइक। मैं सवाल पूछ लूं स्वामी जी, बताओ। अच्छा सबसे पहले वहाँ जो लोग बोल रहे हो गई है, पीछे वालियों को देना, हाँ गोल गोल घुमाओ। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी हम लोग बहुत बड़े फैन हैं आपके, और पतंजलि के ही प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, और मेरा बेटा जो अभी पढ़ रहा है वो, उसको बहुत पिंपल्स था, वो बोलता था कि मुझे डॉक्टर को दिखाते नहीं, तो हम लोग जो है पतंजलि का यूज़ करें बाबा जी, आपका ये कांति लेप और गुलाब जल उसको लगा रहे हैं, और कायाकल्प जो है गोली उसको खिला रहे हैं। क्या हाल है उसका? जी हाँ, बहुत प्रोग्रेस है बाबा जी, बहुत ज्यादा। आजकल ये बच्चों को तो कॉलेज लाइफ में बहुत दिक्कत होती है। 80% से ज्यादा बाबा जी, एक हफ्ते में उसका इतना रिजल्ट है। एक हफ्ते में? जी जी। तो मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, क्या नाम है आपका? सीमा सिंह। सीमा सिंह ने अपने बच्चे को जो कॉलेज में पढ़ रहा था पूरा काला कलूटा हो जी गया जी, और पूरे पिंपल्स वो बहुत फील करता था, शाय फील करता था, बोलता था कि आप लोग मेरे को ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जब मैं बिल्कुल खराब हो जाएगा, वो मेडिकल में भी जाने वाला है बाबा जी, तो वो बहुत परेशान होता था और हमेशा बोलता था आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग कर दिया। जी जी बिल्कुल बाबा जी प्रणाम। और स्वामी जी मैं एक सवाल पूछ रही थी, अगर आप सुन पा रहे हो तो सवाल का जवाब दीजिएगा, फिर हम इन लोगों की राय भी जानते हैं। रेगुलर यूज से सिर्फ एलोवेरा जेल ही हम लगाते रहे हैं और बादाम रोगन तेल। बादाम रोगन जो अभी मैं बता रहा था कि स्किन के ऊपर लगा लो, एवर यंग रहेंगे। आपकी उम्र वैसे तो पूछनी नीचे, लेकिन आज तो पूछना ही पड़ेगा, बता कितनी है? 43 में हमें इसको कॉम्प्लीमेंट दो तो ये 25-30 से ज्यादा लगती नहीं है। ये रोज बादाम रोगन लगाते और ब्यूटी के ये एलोवेरा जेल, एलोवेरा, और कोई लिपस्टिक नहीं, कोई कॉस्मेटिक नहीं, कोई फेशियल नहीं कराते। क्या बात। ये है एलोवेरा का और योग का चमत्कार। अब स्वामी जी कुछ सवाल जवाब भी ले लेते हैं, क्योंकि अब महिलाओं की ब्यूटी से जुड़े हुए सवाल हैं, तो जो दर्शक हैं वो भी अपने सवाल भेज रहे हैं। पाद वृत्तासन द्विचक्री का जी, हाँ सवाल तो नाखूनों से जुड़ा हुआ है स्वामी जी। एलोवेरा और ब्यूटी क्रीम यूज करते हैं, मेरा मुँह पूरा छाही से भरा हुआ था, उस लगाने से मेरा सब ठीक हो गया है,
और बिहार से मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से, मधेपुरा से आए हैं जी। हाँ तो देखो मैं बता रहा था अर्धलासन पादवृत्तासन द्विचक्रिकासन करो, ये जो हम बताते हैं उसको फॉलो करते हैं, और ये फॉलो करेंगे तो कैसे जो है कोई प्रॉब्लम रह सकती है। तो मैं बोल रहा था बिल्कुल रिजल्ट भी देखने को मिला है स्वामी जी। एक सवाल हमारा भी है और नाखून से जुड़ा ये सवाल है। आवाज किटपिट हो रही है जी, पूरी जी, नहीं पहुंच रही है जी, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी आवाज सब तक पहुंच रही है। आपने क्या यूज किया अम्मा? मैंने तो मुझे एलोवेरा का, इसको माइक देना। हाँ स्वामी जी, मैं 2004 एलोवेरा पीना भी चाहिए और एलोवेरा लगाना भी चाहिए, दोनों काम करते हो? ये तो सारी एक साथ बोल रही है, बड़े पूरी फौज बैठी हुई है। स्वामी जी मैं, मेरी उम्र 58 की है। प्राणायाम भी करते हैं रोज? 58 की है मैं प्राणायाम। 58 की है तो आज तो कोई, मुझे लगता है यहाँ कोई बुढ़िया दिखी नहीं रही है, सारी बुढ़िया जैसी हो रखी है। 58 की है ये भी, और मेरे को बहुत सारी बीमारियां मैंने खत्म करी है। क्या क्या खत्म कर ली बता? अब तो मैं भूल भी गई हूँ स्वामी, बहुत सारी क्या क्या फिर भी हाथ पैर सोते थे और एसिडिटी थी, बासियां बहुत आती थी, जब मैं चलती थी सर में धमक पड़ती थी, जब मैं थोड़ा तेज चलती थी यूट्रस लीक होता था और यूट्रस बार भी आता था। सर जी ठीक कर? हाँ जी, और ये यूट्रस प्रोडक्शन होना बहुत बड़ी बात है, वो ठीक कर। हथवाने जितना था बहुत मोटा था, मोटा पेट टाइट था। 15 दिन लगे थे स्वामी जी पार्वती करते, सिर्फ नरम हुआ था। 15 दिन में नरम कर लिया नरम, और अब तो और वेट कितना कम कर लिया। मेरा बाजू से एक ग्लास पानी नहीं ऐसे उठा सकता, हाथ नहीं उठता था, दर्द होती। क्या नाम है? राज रानी। अरे साहब ये तो जबरदस्त काम कर लिया। बहुत आती थी स्वामी जी, कल उबली हुई दाल भी मैं नमक हल्के से वाली लेती थी ना, मेरे अंदर जलन होती। तो ये योग भी कर रही है और आयुर्वेद का उपयोग भी कर रहे हैं, तो कपाल भाती करके। तो मोटा पेट था तो बहुत चिढ़ाते होंगे घर वाले भी? बहुत स्वामी, पीछे से भी आगे भी डाइनिंग टेबल था और पूरा दिन मेरे को गुस्सा रहता था। दो डाइनिंग टेबल लेके घूमती रहती थी राय रानी। हाँ जी, तो और भी बहुत सारे, अब तो मैं भूल गई हूँ। तो पूरे मोहल्ले में स्वामी ब्यूटी के लिए क्या यूज करती थी? ब्यूटी का मैं आप यूज करने लगी हूँ कभी कभी। क्या क्या? एंटी रिंकल और ब्यूटी क्रीम। ब्यूटी क्रीम एंटी रिंकल भी करने लगी और एलोवेरा नहीं लगाती? और जो एडी वाली क्या वो क्रैक हिल जो हम कहते हैं ना, सरसों के तेल में या कायकल्प तेल में कपूर और देसी मोम बना करके वो लगा लो, नहीं तो घर में एडियां मेरी बहुत फटी रहती थी। तो ठीक होगी? बिल्कुल ठीक है। ये लो भाई स्वामी जी, अगर आपको अब मेरी आवाज ठीक आ रही है तो एक बार आप बता दें, तो मैं फिर दर्शकों के सवाल पूछूंगी। तो ये क्रैक हिल क्रीम भी हम देते हैं, है तुम्हारी तेरी बढ़िया। इस साल मैं लगाई नहीं, नहीं तो ये पैर में बिवाई फटती थी, खून निकलता था, बहुत बहुत मोटे मोटे। कहाँ से हो? पंजाब जलंधर तो आई है। अच्छा, ये तो अब योग टीचर भी बन गई है। और तुमने क्या विशेष लाभ प्राप्त किया? अब उधर देना पायल्स में बोल दिया आपको। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी होगी इसकी जो दूध में मिला के एक नींबू पीना है, एक कप दूध में एक नींबू खाली पे, कितने दिन लिया? 4 दिन। बहुत प्रॉब्लम थी, जो घरेलू उपचार बताते पूरा करती है। मैं तब दवाई कोई नहीं खाती थी, अब शुरू कर लेती हूँ कभी कभी। स्वामी जी मैंने तो बहुत एलोवेरा पिया भी है, 15-20 बोतलें, और बहुत ज्यादा कब्ज रहती थी, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम थी। हाँ जी बहुत। स्वामी जी अगर आपको मेरी आवाज ठीक से आ रही है तो एक बार आप बता दें, तो फिर मैं दर्शकों के सवाल पूछूंगी। और एलोवेरा और कोकोनट ऑयल जो है ना, यही हमेशा यूज करती हूं। आपका आपकी आवाज भी आ रही है, और मैं कह रहा था एलोवेरा जूस पीना और लगाना जी, तो ये दोनों करके आप कब्ज ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक। कितनी आपकी? 45 की। देखो आपने शुरुआत में कहा था स्वामी जी कि आप महिलाओं की उम्र नहीं पूछेंगे, और आपने ऐसे कोई नहीं छोड़ी उम्र जिनकी उम्र ना पूछी हो। स्वामी जी अब हम कुछ दर्शकों के सवाल लेना चाहते हैं। इसका तो पूछ ले। स्वामी जी प्रणाम। मेरा पिंपल्स बहुत होता था और बाल बहुत डैमेज। स्वामी जी बहुत दूर दूर से सवाल आ रहे हैं। तो आप मैं अपने कंडीशनर ना लगाऊं सुंदरता को लेकर, अपने बच्चों की सुंदरता को लेकर अब ठीक हो गए?
तो मैं नहाने के बाद गीले बाल में आपका नारियल तेल लगाना शुरू कर दी कंडीशनर के तरह, तो बाल ठीक होना शुरू। तो ये सारे प्रॉब्लम ठीक करके बैठे हुए हैं, अब आप सवाल ले लो, इनका तो अभिनंदन है। पहला सवाल स्वामी जी जबलपुर से, जबलपुर से गीता वासुदेव है, कैलिफोर्निया में रहने वाली अपनी 33 साल की बेटी के लिए ये सवाल पूछ रही हैं। गंभीर डैंड्रफ एलर्जी बनकर अब उनके चेहरे पर भी फैलने लग गया है, किस योग और प्राणायाम के जरिए इसे दूर किया जा सकता है? देखो कपाल भाति और चलो अनुलोम विलोम करो बहने, ये दो तो करना है, और कायाकल्प दो दो गोली, नीम और गिलोय एक एक गोली खा ले, और एलोवेरा जूस पी ले और एलोवेरा जेल लगा ले, तो किसी भी प्रकार की स्किन की एलर्जी रत्ती भर भी नहीं रह सकती। एक दिन में ही रिजल्ट आएगा, और एक सप्ताह में, विद इन ए वीक, 7 दिनों में चैलेंज के साथ सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। तो यहाँ किसी अपने रिलेटिव से बोल देंगे, कोरियर करके भेज देंगे, कायाकल्प नीम और गिलोय ये खाली पेट ले। एलोवेरा जूस तो सब जगह दुनिया भर में मिलता है आजकल, सारी दुनिया प्रयोग करने लगी, और एलोवेरा जेल लगा ले बस। और खाने पीने में तीखी तली हुई चीज़ें ना खाएं, अचार ना खाएं, विरुद्ध आहार ना लें, दूध के साथ कोई नमक वाली वस्तु ना लें, ऐसे थोड़े थोड़े परहेज बरतें, और पानी 3 लीटर जरूर पिए, कब्ज ना होने दें, कब्ज ना हो इसके लिए थोड़ा अंकुरित लें, फल फ्रूट लें थोड़ा, खाने के घंटे बाद पानी पिए, खाना चबा चबा करके खाएं और खुश रहें। तो खुश रहने से खूबसूरती बढ़ती है। स्वामी जी अगला सवाल उड़ीसा से आया है सरोज नायक का, ये कह रही है कि इन्हें एलोपीसिया यानी कि जगह जगह से बाल झड़ने की परेशानी है, तो इसका समाधान क्या है आपसे जानना चाह रही है। एलोपीसिया के लिए सबसे अच्छा है, एक तो हम यहाँ तेल देते हैं केश कांति तेल नाम है उसका, तो केश कांति तेल जबरदस्त लाभ करता है, और दिव्य केश तेल तो उससे भी 10 गुना ज़्यादा लाभ करता है, थोड़ा उसमें सुगंध अच्छी नहीं होती है, जड़ी बूटियों की सुगंध आती है, वो लगा ले, नहीं तो सामान्य रूप से नारियल का तेल या तिल का तेल लेकर के उसके अंदर गूलर, उदम्बर के उदम्बर बोलते हैं, गूलर या और सफ़ेद प्याज इसको पका लें नारियल तेल में, या जो है तिल के तेल में गूलर और प्याज को पका लें और उसको लगा लें। एक बहुत घरेलू उपाय बताता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि खाली डायरेक्ट प्याज का रस भी लगाने से फायदा होता है, ये मिथ है या सही है? हाँ ये एकदम सही बात है, खाली प्याज के रस से भी ठीक होती है, तो प्याज का रस और ये उदुम्बर इसका रस भी लगाते हैं, उससे भी ठीक हो जाता है। एक बात अनुभव किया हुआ घरेलू उपाय बताता हूँ, कोड़ी सबके घर में मिल जाती है, वैसे भी किसी चीज़ को बोलना हो कोड़ी के भाव, अरे कोड़ी बहुत अच्छी होती है, तो कोड़ी को नींबू के रस में रात को भिगो दें तो सुबह तक पेस्ट बन जाता है, वो अपने आप ही गल जाती है, कोड़ी जो है कपरदक उसको बोलते हैं, कोड़ी जो है रात को नींबू के पानी में भिगो के रख दिया, पेस्ट बन जाएगा सुबह तक वो, और उसको उसको रात को लगा दें ऐसे, और सुबह अपने स्नान कर लें, तो रात को लगा करके और टोपा पहन ले, और सुबह तक ऐसे 7 दिन प्रयोग करने से एलोपेशिया खत्म हो जाता है। बाकी शीर्षासन, सर्वांगासन, कपाल भाते, अनुलोम विलोम करें, और ये जो गूलर और हमने सफ़ेद प्याज का बताया, इसके साथ साथ दो चीज़ें और बता देता हूँ, मीठा नीम जिसको अक्सर लोग कढ़ी पत्ता बोलते हैं, मीठा नीम ये भी बहुत ज़बरदस्त लाभ करता है, इसके भी पेस्ट करके, और एक चिरौंजी, चिरौंजी को भी पीस करके, तो 4 चीज़ें एक साथ लगा लें, मीठा नीम, चिरौंजी, प्याज और गूलर के पत्तों का रस, ये लेप लगा लिया तो 100% एलोपेशिया दूर, और जिनके बालों की ग्रोथ नहीं होती वो भी ठीक, अच्छा। और जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं तो इसी को ही फिर थोड़ा मुल्तानी मिट्टी और लगा करके इसी से धो लिया करें, तो बाल की ग्रोथ ऐसी होगी जैसे आप मेरे बाल देखते हो, इतने ऐसे लंबे बाल हो जाएंगे। कॉम्प्लेक्स देने वाला काम हो गया ये तो स्वामी जी, क्योंकि बालों की बात हो रही है, कमर तक आ रखे, और बाल हमारी सुंदरता का बहुत अहम हिस्सा है, तो एक सवाल मेरा बालों से जुड़ा हुआ ये है कि सर्दियों में ठंडे पानी से बाल धोने में बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन मैंने सुना है कि लोग ये कहते हैं
हैं कि गर्म पानी से बाल नहीं धोने चाहिए, उससे आपके बालों की जड़ें कमजोर होती हैं और डैंड्रफ की भी समस्या होती है, सफेद भी हो जाते हैं। अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या करें? अच्छा देखो, थोड़ा सा गुनगुना पानी से बाल धोना चाहिए, तेज गर्म पानी से नहीं। बहुत ज्यादा ठंडा पानी तो सबको सहन नहीं होगा। गुजराती तो जून महीने में भी गर्म पानी से बाल धोते नहाते हैं, तो एक मिथ है। हाँ, बहुत ज्यादा तेज गर्म पानी से बाल नहीं धोने चाहिए, ये सच्चाई है। अगली बात, आजकल तो बाल धो के फिर वो हेयर ड्रायर है ना, गरम गरम ऐसे उससे बाल करते हैं। तो एक दिन, हाँ एक दिन मैंने भी वो या निरामय में लगा हुआ है, तो एक दिन मैंने ट्राई किया तो सिर में तो दर्द हो गया और बाल जो है घुंघराले घुंघराले से हो गए। ए, मैंने कहा तो बाबा किससे कली बिगड़ जाएगी बताओ। तो ये जो ड्रायर यूज करते हैं ये नहीं करना चाहिए। और सिर धोने से पहले, जिस दिन सिर धोना हो उससे पहले दिन तिल का तेल, सरसों का तेल, केशकांति तेल, दिव्य केश तेल, नारियल का तेल, कोई भी तेल लगा करके और फिर अगले दिन शैम्पू करना चाहिए। मैं ऐसा ही करता हूँ, इसलिए मेरे बाल इतने अच्छे हैं। अरे स्वामी जी, बालों का राज तो आपने बता दिया, लेकिन जरा चेहरे पर रौनक का राज भी आप बता दीजिए। कार्यक्रम करना चाहिए तो ये बालों की टिप्स दे दी है पूरी जी। बालों का राज तो हमने ज्योत्सना जान लिया है, अब चेहरे के बारे में। हाँ जी स्वामी जी, आज आप एंटी एजिंग क्रीम के बारे में भी बताने वाले हैं। बीच में फोन कट गया था, वापस आ गया जी। अच्छा स्वामी जी, बालों के बाद अब त्वचा की बात करते हैं। किचन के चीजों से कैसे स्किन को हम खूबसूरत बना सकते हैं और एंटी एजिंग का वो काम करे, ये घरेलू नुस्खे क्या क्या होंगे और वो 55 वाली जो महिला थी वैसा नूर आए। हाँ बिल्कुल स्वामी जी, एक बार मैं फिर से अपना सवाल दोहरा रही हूँ। एंटी एजिंग क्रीम बनाने का आपने वादा किया था और ये कहा था कि कैसे घरेलू चीजों से हम फेस पैक या फेस क्रीम बना सकते हैं जिससे हमेशा त्वचा जवान रहेगी। ये तो बचपन में ही 25-30 साल जैसी लग रही है। डॉक्टर सुधा राणा की सब्जेक्ट में डॉक्टरी की है तुमने? ये संस्कृत में ही डॉक्टरेट की है। क्या बात है। और जो है डेली अपने फेस पर क्या लगाती है? ब्यूटी क्रीम, रिंकल क्रीम और एलोवेरा, तीनों लगाती हूँ। और कभी कभी एक साथ लगाती है? नहीं, रात को तो रिंकल क्रीम लगाती हूँ, सुबह नहा के ब्यूटी क्रीम लगाती हूँ। और एलोवेरा? एलोवेरा उठते ही लगा लेती हूँ मैं। नहाने से पहले एलोवेरा लगाती है, दिन में ब्यूटी क्रीम लगा के रखती है, रात को एंटी रिंकल क्रीम लगा के सो जाती है। स्वामी जी, हमें भी घरेलू नुस्खा बता दीजिए इन क्रीम का, फेस पैक का। जल लगाते हैं और रात में एलोवेरा केसर वाला, बादाम रोगन। अरे बादाम रोगन जो मैं बता रहा था ना, वो यूज करती है। और घरेलू नुस्खे देखो, अब तुम लगाओ अपना घरेलू नुस्खा। ये घरेलू नुस्खा भी बता रहे हैं जो शुरू में बता रहा था। देखो ये तो रोज वाला है, रोज हनी और दूध वाला लगाओ, दोनों लगा लो बहन जी। ये 58 वाली है और आप 49, ये तो लग तो नहीं रही। देखो ये 49 पूछने से पता लग रहा है, तो 50 के आसपास पहुंच गई है। ये आंखों में मत लगा ना। तो ये जो है ये पहले लगा लिया था, अब इसका तो अब और लगा ले अभी, क्योंकि हाँ अभी फिर धोना पड़ेगा, अभी फिर धो लेना। इसने तो हो गया इसका कोर्स तो पूरा। तो ये बेसन, बेसन हनी और हल्दी, नींबू, संतरा और ये है नीम, तो ये लगा रही है बहन जी। तो ऐसे लगा लगा करके बहनों को, तो क्योंकि ये रोज मुझे सुनती हैं इसलिए इन्होंने तो ऐसे ब्यूटी टिप्स ले लिए हैं। बिल्कुल, ये लेप लगाकर अपने चेहरे की सुंदरता को बरकरार रखा जा सकता है। ये घरेलू उपाय स्वामी जी आपने बताए। अब हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि कल के प्रोग्राम में क्या खास रहने वाला है। कल सुबह 7:57 पर स्वामी रामदेव से जानिए सर्दी के मौसम में अपने पेट को कैसे रखें सेट। कब्ज और आंतों में सूजन से अगर आपको परेशानी है तो इसका परमानेंट सोल्यूशन बताएंगे आपको स्वामी रामदेव कल जी। स्वामी जी, तो ये तो
ये तो घरेलू उपचार जो कई बता रहे थे ना हमने, चिरौंजी, बादाम पका हुआ, केला, पपीता, खीरा, दूध और हनी, ये सब। अब इसमें किसी किसी को खाली संतरा, पपीता और खाली नीम इतना ही लगाना है, तो देखो कितना। और इसमें थोड़ा सा ये डाल देते हैं गुलाब की पंखुड़ियाँ, लगाओ। अब ये भी बहन जी भी पूरा जो है एकदम सब 50 के आसपास की है, और कोई माता जी बनने के लिए तैयार नहीं है, सब गुड़िया बनना चाहती है। प्रणाम बाबा जी, मेरी उम्र 45 साल है। 45, हाँ जी। और मुझे एलोवेरा जेल से और मेरी बेटी को एलोवेरा जेल से बहुत लाभ हुआ है। क्या लाभ हुआ? उनके फेस पे बहुत ज़्यादा झाइयाँ सी थी और वो सब बिल्कुल खत्म हो गए। ये तो पीछे छोटी सी गुड़िया बैठी हुई है, एक छोटी उम्र की बेटी आई हुई है, बाकी सब यहाँ अपनी बेटी को ठीक कर लिया, अपने आप को ठीक कर लिया। तुम क्या लगाती हो? मेरी बेटी एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल और सौंदर्य ब्यूटी सोप। एलोवेरा जेल का कितना फायदा है ये हम सामने ही देख रहे हैं, क्योंकि स्वामी जी आपके साथ जितनी भी लड़की एक ही मिली, सारी तो महिलाएं हैं, उनके चेहरे का निखार खुद ब खुद बता रहा है योग और आयुर्वेद का क्या चमत्कार है। स्वामी जी हमें आज के लिए इजाजत दें, आप दो कदम भी नहीं चल पाती थी जी, आपके योगा करने से मैं मतलब मेरा करवट मेरा बच्चा लेवाता था मैं, जब इतनी खराब हालत थी मेरी, तो ये सारी आज ठीक हो गई है। हाँ। लास्ट जी और बता देता हूँ, एलोवेरा जेल, ये चावल भी हम लगाते हैं, चावल, हल्दी, नीम, इसका भी लेप लगाते हैं। कभी हम विस्तार से समझेंगे स्वामी जी कि खाने वाला चावल जो है वो चेहरे की रौनक कैसे बढ़ाता है, लेकिन आज समय इतना ही था स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। फिलहाल वक्त हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद आपको महाराष्ट्र के भंडारा से आ रही दर्दनाक खबर बताएंगे।